नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है टेक्नो स्पार्क गो 2020 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में टॉक बैक को कैसे ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो टच स्क्रीन है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए दुकान पे चले जाते हैं और कई सारे पैसे पे कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, टू फिंगर का यूज़ करना है और इससे आप ऐसे स्वाइप करेंगे अपनी स्क्रीन को और यहाँ पे सेटिंग पे चले जाएंगे। अगर सेटिंग आपकी यहाँ पे नहीं मिल रही है तो ऐसे स्क्रॉल करेंगे टू फिंगर से, तो यहाँ पे आप सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक बार आप सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे और दो बार जल्दी जल्दी टैप करेंगे, ऐसे फटाफट से टैप करना है, टाइम नहीं लगाना है वरना ओपन नहीं होगा। और इसके बाद आपको टू फिंगर से इसको स्क्रॉल करना है ऐसे, और यहाँ पे आपको स्मार्ट असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको आपको एक बार टच करना है, दो बार ऐसे टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आपको एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है और दो बार ऐसे टैप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉकबैक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको इस पर एक बार सेलेक्ट करना है, दो बार ऐसे टैप करना है तो ये ओपन हो जाएगा। आपका ये ऑन हो रखा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और दो बार ऐसे टैप करेंगे तो स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्टॉप पे आपको क्लिक करना है, दो बार टैप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब आप सिंगल हैंड से अपने फ़ोन को इजीली हैंडल कर सकते हैं, जैसा आपका फ़ोन पहले था उस टाइप से हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।